भगवान श्री राम के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। 22 जनवरी को पूरा देश उत्सव मनाएगा। पूरे देश में इस वक्त उत्सव का माहौल है, सभी जश्न मना रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर हिंदू मुस्लिम दोनों एक होकर प्रभु के आगमन को यादगार बनाने की तैयारियों में जुटे हैं। लेकिन इसी बीच इस आयोजन पर राजनीति के बादल मंडराने लगे हैं। धार्मिक भावनाओं को लगातार आहत करने वाले बयान सामने आ रहे हैं और ये बात अब आम भी हो गई है। लेकिन इसके बाद एक खबर सामने आती है जिसके बाद सनातन और हर सनातनी सोचकर आश्चर्यचकित है कि आखिर ऐसा क्यों। दरअसल खबर सामने आई कि चारों शंकराचार्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं। ये खबर हर सनातनी के लिए चौंकाने वाली थी। राम मंदिर कार्यक्रम से आखिर शंकराचार्यों ने दूरी क्यों बना ली? आखिर क्या कारण है कि शंकराचार्य राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से खुश नहीं है? लेकिन अब इस मामले पर एक और खबर सामने आई है। देश में होने जा रहा यह प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन देश के लिए एक ऐतिहासिक समारोह है। हिंदू धर्म की आस्था का केंद्र रहे भगवान श्री राम अपनी ही जन्मभूमि में जल्द ही विराजित होने वाले हैं और यह हर सनातनी का सपना था। ऐसे में आखिरकार शंकराचार्य भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा आयोजन में शामिल क्यों नहीं होना चाहते? क्यों वे इससे दूरियां रखना चाहते हैं? हर सनातनी के मन में यह सवाल उठ रहा था। लेकिन आज इस मामले में विराम लग गया और चारों शंकराचार्य ने इस मामले में अपना जवाब दिया है और यह जवाब चिट्ठी के माध्यम से दिया गया है। देश के चारों शंकराचार्य की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने इस खबर का खंडन किया। श्रृंगेरी शारदा पीठ और द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य ने चिट्ठी लिखकर इन खबरों का खंडन किया। इन दोनों शंकराचार्यों ने कहा कि यह झूठी खबर फैलाई जा रही है। दोनों शंकराचार्य ने राम भक्तों को इस दौरान संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य और जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया। जो भी कुछ खबरों में कहा जा रहा है वो हमारी आज्ञा के बिना कहा जा रहा है, जो कि सरासर झूठ है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हमारे गुरुदेव भगवान ने रामालय ट्रस्ट और राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति के जरिए राम जन्मभूमि को पाने के लिए कई कोशिशें की है। उनकी इच्छा उन्होंने जाहिर की और बताया कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को वेद शास्त्रानुसार और धर्म शास्त्रों के अनुसार संपन्न कराया जाना चाहिए। इस दौरान इस समारोह में आपको बता दें कि एक खबर सामने आई है जिसमें 121 पुजारियों की टीम रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और पूजन करवाएगी। देश विदेश से भारी संख्या में राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं। इसके अलावा 4000 साधु संत और करीब 3000 वीवीआईपी लोग भी इस समारोह में शामिल होंगे। चारों शंकराचार्यों ने इस आयोजन से दूरी बना ली थी। इस खबर पर आज विराम लगा है। उनका मानना था कि ये लगातार कयास लगाए जा रहे थे या जो खबरें आ रही थी कि शंकराचार्य इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से नाराज हैं, उस पर भी इस खबर के साथ विराम लग गया है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। VK News, राष्ट्र के नाम।